हम आजादी का 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं और अपने देश को एकता के लिए जोड़ना चाहते हैं। हम हर जगह प्रोग्राम्स करते हैं और जो हमारे वीर सपूत हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो भारत है। देखिए, भारत में सिखों ने, ईसाइयों ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सबने अपना खून त्याग करके इस आजादी को प्राप्त किया है। आज हम आजाद तो हैं, लेकिन कितने आजाद हैं इससे रिलेटेड लेकर मेरे पास कुछ बच्चे हैं जो कि हिंदुस्तान का झंडा लेकर खड़े हैं। इनसे मैं सवालात करने की कोशिश करूंगा कि वाकई में हिंदुस्तान कितना चेंज हुआ है। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमारा जो देश आजाद हुआ है, इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है? जवान शहीद हुए थे। जी बिल्कुल। तो इन लोगों का ये मकसद है, ये बताना है कि ये भगत सिंह से भी मोहब्बत करते हैं, ये सुभाष चंद्र बोस जी से भी मोहब्बत करते हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मोहब्बत करते हैं, ये जितने भी हमारे स्वतंत्र सेनानी हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जिन्होंने कुर्बानी दी है हिंदुस्तान के लिए, अशफाक उल्ला खान साहब हो या खान अब्दुल गफ्फार खान, जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, इन सभी को ये लोग नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। हम यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है भारत, वो तरक्की करे वैज्ञानिक क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, हर सेक्टर में। भारत को एक प्राणता के लिए जानने के लिए हम और हमारा जो भारत है उसका मकसद यही है कि हम सब मिलकर एक ही थाली में खाएं और ना कोई धर्म भाग, कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, अमन और प्यार का मैसेज आज हम 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर देना चाहेंगे। वैसे भी आजकल जो तरह तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वो वाकई में नकारात्मक हैं और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी छाती है। हमारा जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि हम अपने हिंदुस्तान को एकता के रूप में परोएंगे, हम हिंदुस्तान की तरक्की में अपना बहुत बड़ा योगदान देंगे, अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, तभी हमारा हिंदुस्तान अमेरिका, चाइना, हर देश को पीछे छोड़ देगा और एक बहुत ही शक्तिशाली देश उभर कर निकलेगा।